सिकंदरा से, जहां सिकंदरा पुलिस थाने की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें नाबालिग बालिका के दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी पुनीराम उर्फ पुनिया पुत्र रमेश सैनी, जिसकी उम्र 19 वर्ष है और गीजगढ़ का निवासी है, उसको सिकंदरा थाना पुलिस के 14 जवानों की एक गठित टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। सिकंदरा के राजौरिया ढाणी में 13 नवंबर को लग्न समारोह में नाबालिग लड़की के साथ इस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था, और अब ये दुष्कर्म का आरोपी पुनिया राम सैनी जो था, उसने टॉफी दिलाने का झांसा इस बच्ची को दिया था और सुनसान जगह पर जाकर इसके साथ दुष्कर्म जैसे घृणित कार्य को अंजाम दिया था। इसका मामला सिकंदरा थाने में दर्ज करवाया गया था और बालिका को राजकीय अस्पताल बांदीकुई में भर्ती करवा दिया गया था। दौसा पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णिया के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस सुप्रिंट राजपाल सिंह यादव, थानाधिकारी सिकंदरा के नेतृत्व में एक विशेष टीम इसके बाद गठित की गई थी और पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए लगभग 200 के आसपास संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ की थी और आखिर मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। आरोपी ने आखिरकार अब अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी घटना के दिन शराब के नशे में बालिका को टॉफी देने की बात कह कर ले गया था और इस घटना को अंजाम देना उसने स्वीकार भी कर लिया है। आरोपी जोधपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ छुप के बैठा था। सिकंदरा पुलिस ने लोगों में पूछताछ की और आखिरकार उस आरोपी तक पहुंच गई। थाना प्रभारी राजपाल सिंह यादव की कार्यशैली अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय अब तक कई बड़े बड़े मामलों को लेकर भी है, क्योंकि उन्होंने कई बड़े मामलों का पर्दाफाश भी किया है। 13-14 की रात्रि की बात है, एक शादी समारोह का प्रोग्राम था जिसके अंदर आरोपी द्वारा एक 7 वर्षीय बालिका के साथ 10 रुपए का लालच देके उसको अंधेरे में ले गया और वहाँ उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता ठीक से उसको पहचान पाने में सक्षम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको पूछताछ करी तो एक होलिया सामने आया था कि एक लड़का, इसमें सफ़ेद शर्ट और पैंट पहन रखी थी जीन्स की। इसमें क्षेत्र के करीबन 150 लोगों को हमने अलग अलग तरीके से उनकी पूछताछ करी, संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें जाकर लास्ट में हम इस नतीजे पहुँचे कि एक संदिग्ध लड़का था जो गीजगढ़ का रहने वाला था, ये किराए का मकान लेकर रहता था और घटना के दिनांक से वो फरार हो गया। इसकी लोकेशन जोधपुर में आई और उसको फिर विशेष टीम गठित करके हमने जोधपुर से उसको अरेस्ट किया, परसों यहाँ लेके आया, जिसने दुष्कर्म की घटना को आरोपी ने उसको स्वीकार किया है और पूरे जो भी साक्ष्य हैं सभी चीज़ों की बरामदगी हुई है, वो कपड़े भी बरामद करवाए हैं। इस प्रकार इसने घृणित कार्य किया था जिसके विरुद्ध ठोस से ठोस कार्रवाई की जा रही है। ये आइडेंटिफाई किस तरीके से किया पुलिस ने, कि किस तरीके से पहचान आरोपी को? जी, इसके ऊपर हम गोपनीय रूप से नज़र रखे हुए थे, जो भी 6-7 लोग संदिग्ध थे जिनमें इसकी गतिविधि पाए जाने के बाद इसको घटना के बाद से ही अपने आप को छुपाने के लिए जोधपुर लोकेशन चेंज कर ली थी। जब वहाँ उससे लेकर आए और पूछताछ करी तो उसमें सारी चीज़ें बता दी कि घटना का तस्दीक करा दिया, घटना से तस्दीक करा दिया और वो कपड़े भी बरामद करा दिए जो इसने घटना के वक्त खून आरोप जिसके कपड़े थे आरोपी के, वो भी बरामद करा दी, जिसके बाद सत्यापित हो गया कि किसी के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। ये पूरा दुष्कर्म का मामला क्या था, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए सिकंदरा से हमारे संवाददाता अनूप सैनी जुड़ चुके हैं, जो इस मामले में पूरी जानकारी देंगे। फोन लाइन पे अनूप सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैम। आप, पूरा क्या मामला था ये दुष्कर्म का, नाबालिग बच्ची के साथ इस 19 वर्ष के व्यक्ति ने ये घृणित कर्म किया, अब ये पुलिस की गिरफ्त में है? हाँ मैम, ये यहाँ पे सिकंदरा में राजौरिया की ढाणी है जी, यहाँ पर 13 तारीख को एक लग्न समारोह में ये बच्ची अपने परिवार वालों के साथ में वहाँ पे गई हुई थी जी, और शाम का टाइम था, अंधेरा का फायदा उठाकर आरोपी ने लड़की को टॉफी का बहाना देकर सुनसान जगह में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जी, और उनके परिवार वाले उस टाइम पर खाना खा रहे थे जी, तो आरोपी ने मौका देखकर ये ऐसी वारदात को अंजाम दिया जी, तो यहाँ पर लोगों में बहुत आक्रोश फैल गया जी, और थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जी, और मामले की जानकारी राजपाल सिंह यादव को मिलते ही उन्होंने टीम गठित कर
कार्रवाई शुरू कर दी। जी आरोपी खबर भी प्रमुखता से सत्यमेव ने चलाई थी और आपने तुरंत इस पर हमें सारी अपडेट भी दी थी और अभी भी आप सबसे पहले हमें अपडेट दे रहे हैं। हाँ जी मैम, अभी मैं आज थाना प्रभारी ने बताया था जी कि ये आरोपी यहाँ से फरार होके जबी से फरार चल रहा था और जोधपुर में किसी रिश्तेदार के यहाँ पे छुपे हुए बैठा था जी। तो पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मोबाइल कॉल की डिटेल के आधार पर आरोपी तक पहुंची और इसमें कुल पुलिस के 14 जवानों की टीम गठित रही जो सिविल ड्रेस में इधर उधर जानकारियां जुटाते रहे और इन्होंने एक बहुत बड़े तरीके से आरोपी को गिरफ्तार कर इसको अंजाम दिया। 200 लोगों से पूछताछ करके आखिरकार आरोपी तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है और निसंदेह ये कार्यशैली जो है काबिले तारीफ है। जी मैम, यहाँ पर राजपाल सिंह जी जो यादव हमारे थाना प्रभारी आए हैं जी, तभी से यहाँ पर अपराधियों पर अंकुश लगा है, साथ ही अपराधियों में भय व्याप्त है और यहाँ पे इन्होंने जब से कार्यभार संभाला है तभी से यहाँ पर ये बड़े बड़े कई खुलासे कर चुके हैं। यहाँ पे स्मैक वाला कई तरीके के ऐसे खुलासे हैं जो अब तक नहीं हुए। यहाँ पे बहुत बड़ा गिरोह था उसका इन्होंने पर्दाफाश किया है जी। और आज फिर एक बड़ी कार्रवाई की है तो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना प्रभारी की कार्यशैली से लोगों में खुशी है और जगह जगह चर्चा है। बच्ची के क्या हाल है अभी? बच्ची क्या अभी ठीक है? जी मैम, बच्ची ठीक है अभी? दुष्कर्म बच्ची बच्ची ठीक है? हाँ बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। बच्ची उस टाइम पर करीबन 3 दिन बांदी के राजकीय अस्पताल में एडमिट रही थी जी। अब लड़की की हालत ठीक है, सामान्य है जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए अनूप, इसी तरह से हमें अपडेट देते रहिएगा। तो इस मामले में पूरी जानकारी हमें दे रहे थे हमारे सिकंदरा के संवाददाता अनूप सैनी। पूरे मामले पर सबसे पहले अनूप सैनी ने ही हमें यह खबर भेजी थी और अब इसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद भी हम आपको इस बारे में अपडेट दे रहे हैं, आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।